हेलो फ्रेंड्स, इट्स डॉक्टर अभिलाष मोदी। आई वेलकम यू ऑल ऑन डॉक्टर मोदीज मोटिवेशनल ढाबा। आज गाइस मैं आपको कुछ बोलकर कहीं नहीं करके दिखाने वाला हूं। देखिए मैं क्या कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये थोड़ी सी एक भारी सी चीज है, एक लाउड स्पीकर है एक्चुअली, उसको मैं मेरे हाथ पर रख रहा हूं और देखिए क्या होता है। अभी जो भी कुछ आपने देखा उससे आप क्या समझे? मेरा हाथ जब शुरुआत में वजन को उठा रहा था, जो 100 से 150 ग्राम था, तो मेरा हाथ वाइब्रेट नहीं कर रहा था, पर जब मैंने उसको उठाए रखा तो मेरा हाथ जो है वाइब्रेट करने लग गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ गाइस कि जो लोग मन में किसी भी इंसान के लिए कुछ भी भर करके जी रहे हैं, वो प्रॉपरली नहीं जी पाएंगे। तीन चीजें होती है जिंदगी में, एंटरटेनमेंट, हैप्पीनेस और पीस। ज्यादातर बच्चे जो 28-30 साल तक के होते हैं या मैक्सिमम 25 तक के होते हैं, वो जनरली काम करते हैं एंटरटेनमेंट पर। उनको कोई मतलब नहीं होता वो हैप्पी है कि नहीं है, पीस से उनका लेना देना होता ही नहीं। वो काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ मैं एंटरटेन्ड हो जाऊं, मुझे लोग एंटरटेन कर दे, मुझे सिचुएशंस एंटरटेन कर दे, मुझे मैरिज पार्टी एंटरटेन करे, मुझे हर चीज एंटरटेन करे। उनको काम करना होता है एंटरटेनमेंट पर। जब हम थोड़े बड़े होते हैं, जब उनको थोड़ा थोड़ा जिंदगी समझ में आती है, तो वहां पर हम काम करते हैं हमारी हैप्पीनेस पर, और लास्ट में हम लोग काम करते हैं हमारे पीस पर। और ज्यादातर लोग तो 70-80 साल के हो जाते हैं, पर उनको पता ही नहीं होता पीस पर कैसे काम करें, वो काम कर ही नहीं पाते। आज का जो वीडियो वो इसी बारे में है कि किस तरीके से हम पीसफुल लाइफ जी सकते हैं, किस तरीके से हम पीस के ऊपर काम कर सकते हैं, हैप्पीनेस के ऊपर काम नहीं कर सकते। गाइस मैं किसी का एग्जाम्पल नहीं दे रहा, मैं प्रैक्टिकल मेरा खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूं। लगभग 8 से 9 साल से मैं इस फील्ड के अंदर हूं, मोटिवेशन के और पर्सनल डेवलपमेंट के। शुरुआत के 7 से 8 साल मैं यही चीज सोचता था हमेशा, मुझे अपनी हैप्पीनेस पर काम करना है। हैप्पीनेस क्या है? मैं खुश रहूं, मैं अपना ईगो सेटिस्फाई कर लूं, मैं आर्ग्यूमेंट जीत लूं, यह है हैप्पीनेस। इंसान हैप्पीनेस इसी तरीके से प्राप्त कर रहा है। और दूसरी चीज हुई पीस। पीस का अर्थ क्या हुआ? मुझे कुछ काम नहीं करना है, मेरा पर्पस केवल एक है कि मुझे मेरे हार्ट को पीसफुल रखना है, मुझे मेरे हार्ट के अंदर हमेशा शांति चाहिए। ये कब, कैसे और किस तरीके से हो पाएगा उसका तरीका सोचे। अगर सपोज करें मेरा मेरी मदर से झगड़ा हो रहा है, मैं कुछ चाहता हूं मेरी मदर नहीं चाहती, और उस आर्ग्यूमेंट में मैं जीत गया, तो मैं हैप्पी तो हो जाऊंगा, पर क्या मेरा हार्ट पीसफुल रहेगा? नहीं रहेगा। पीस का अर्थ क्या है? कि मैं ऐसा कुछ करूं, इस तरीके से बातचीत करूं कि चाहे से मैं जीतूं या मम्मी जीते उससे कोई मतलब नहीं है, पर मैं इसको सेटिस्फाई कर पाऊं। ये केवल और केवल कब हो पाएगा गाइस? केवल इसका एक ही तरीका है, बहुत छोटी सी वीडियो और बहुत छोटा सा तरीका है। वो तरीका ये है, सबको माफ कर दें। जी हां बिल्कुल आपने सही सुना, सबको माफ कर दें। जो लोग माफ नहीं कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? जो लोग माफ नहीं करते हैं वो अपने दिल में एसिड बनाते जाते हैं। उसे कुछ टाइम बाद उनका हार्ट प्यार करना, रियल प्यार करना बंद कर देता है, अच्छा सोचना बंद कर देता है, डिसीजन लेना बंद कर देता है। कारण यह है, सोचिए अगर किसी गिलास में एसिड भरा हुआ है, क्या उसके अंदर हम और शरबत पी सकते हैं? उसी के अंदर नहीं। हमको पहले क्या करना पड़ेगा? एसिड को निकालना पड़ेगा, उसको अच्छा स्वच्छ करना पड़ेगा, उसके बाद में कुछ किया जा सकता है। तो सेम चीज है गाइस, जो लोग माफ नहीं कर रहे हैं, जो अपने आसपास वालों को माफ नहीं कर रहे हैं, हमको करना क्या है? रात को जब हम सोते हैं, मम्मी आपने कुछ गलत बोला माफ कर दिया, पापा आपने कुछ गलत बोला माफ कर दिया, भैया आपने कुछ गलत बोला माफ कर दिया, पत्नी ने, पति ने, किसी और बॉस ने, या हम बॉस है तो जो भी कुछ हुआ दिन भर में, मैंने सबको माफ कर दिया, अब मुझे शांति से नींद आएगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग क्या करते हैं, उसने ऐसा किया कैसे माफ कर दूं? मत करो माफ। अगर आप माफ नहीं करते हैं तो क्या होगा? आप अपने हार्ट में एसिड पालते ही जाओगे, आपके हार्ट के अंदर चीजों का वजन बढ़ता ही चला जाएगा। सालों से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जो आपको लग रहा था कि यार ऐसा क्यों है, जब वो चीज होगी तो वो चीज जो होगी आपके हार्ट में पिंच करती रहेगी, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम का कारण बनेगा।
तो आज की वीडियो में हम केवल ये चीज समझ रहे हैं, हमको पीस पे काम करना है, हैप्पीनेस पर नहीं। हैप्पीनेस का अर्थ है मैं आर्गुमेंट जीत लूं, मैं उसको नीचा दिखा दूं, मैं खुश हूं। पर क्या वास्तविकता में मैं खुश हूं? क्या मैं वास्तविकता में अच्छा फील कर रहा हूं? जब आप लड़ाई करते हैं, जब आप सामने वाले को गलत सलत बोलते हैं, सामने वाला तो केवल सुन रहा है, आपके मुंह से शब्द निकल रहे हैं, ये कुछ ऐसा है, लकड़ी जो दूसरों को जलाती है वो खुद भी जलती है। समझे इस बात को, हमको काम करना है हमारी पीस पर। पीस पर का अर्थ क्या हुआ? हमको हमारी शांति पर काम करना है। मेरा ये जो पोर्शन है, मेरा ये जो हार्ट है, ये कैसे अच्छा फील करेगा, कैसे पीसफुल फील करेगा, वो तभी कर पाएगा जब मैं सबको माफ कर दूं। हम माफ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम कोई बहुत बेहतरीन ह्यूमन बींग है, हम माफ इसलिए कर रहे हैं अगर हमने नहीं किया तो हम अगले दिन और अगले दिन और अगले दिन और फ्यूचर में बिल्कुल पागल हो जाएंगे। इसलिए हमको क्या सीखना है इस वीडियो से कि हम सबको माफ कर देंगे, विल फॉरगिव टू एवरीबडी। सबको माफ कर दीजिए, अगले दिन फिर से उठिए। अगर कोई गलती करता है आप चाहे तो उसको कुछ बोल सकते हैं थोड़ा सा, पर ऐसा कुछ ना करें जिससे आपका हार्ट डिस्टर्ब हो जाए। अगर ये डिस्टर्ब हो गया आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। दोस्तों ये बड़ा कड़वा है पर सच है, आजकल बच्चे माफ नहीं कर रहे, यही कारण है वो ना तो अपना करियर चुन पाते हैं, ना अपने रिलेशनशिप्स अच्छे से निभा पाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला उनको सुन करके कैसा रिएक्ट करता है, क्या सोचता है, सामने वाले का मन दुखता है नहीं दुखता है, हम लोग सिर्फ करे जा रहे हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, हमको पीस पर काम करना है। हैप्पीनेस और एंटरटेनमेंट खुद ब खुद चल करके आ जाएंगे। अगर आप एंटरटेनमेंट पर काम करोगे, पीस के बारे में काम नहीं करोगे, पीस कभी नहीं आने वाली, हैप्पीनेस नहीं आने वाली। पर अगर हमने काम किया पीस पर कि मेरा हार्ट जो है बिल्कुल शांत है, कि मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोच रहा हूं। क्यों नहीं सोच रहा हूं? क्योंकि मुझे एक अच्छी जिंदगी जीनी है, मुझे अच्छे डिसीजंस लेने हैं, मुझे जिंदगी में कुछ बनना है, एक बेहतरीन एग्जाम्पल बनना है इस कारण से। तो दोस्तों ये वीडियो इस बारे में था कि किस तरीके से आप पीस पर काम कर सकते हैं, और हमने एक चीज सीखी, हम सबको माफ कर देंगे सबको। तो आज आप प्लीज इस चीज को डिसाइड करें। अगर आपने किसी के लिए मन में किसी तरीके का बुरापन पाल रखा है, किसी भी तरीके की बैडनेस पाल रखी है, किसी तरीके का रिवेंज पाल रखा है, रिवेंज को पालें कर्मों के लिए। अगर कोई इंसान ने आपकी इंसल्ट करी है उसको मन में रखें, पर क्या ऐसा बनूंगा इतना ऊपर बन जाऊंगी, ऐसे घटिया लोग मेरे से मिले ही नहीं, खत्म। पर प्लीज 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 किसी के लिए मन में ऐसा नहीं, उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया मेरे को। अगर आप ऐसा करते हैं आपका मन धीरे 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 इतना खराब हो जाएगा, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो लोगों के बारे में क्या खुद के बारे में अच्छा नहीं सोच पाएगा। किसी के लिए मन में कचरा ना रखें, आपका दिल बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा डिसीजन लेगा आप जिंदगी में, श्योर कुछ बनेंगे। तो गाइज अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप किसी भी तरीके का वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।